हाय एवरीवन, वेलकम टू सुप्रिया किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की खस्ता कचौड़ी और सब्जी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप आटा लिया है गेहूँ का, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया अजवाइन, कलौंजी, नमक और 2 टेबल स्पून घी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए आटे को गूंथ लेंगे। अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे। यहाँ मैंने आटा गूंथ लिया है, अब इस पर ऑयल लगा के कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक यहाँ स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ मैंने बॉयल आलू लिए हैं 2 से 3, इसे मैशर से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। फिर कढ़ाई में तेल डाला है मैंने, जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा जब थोड़े से पक जाए फिर उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। दोनों को अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सबको डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे हम। फिर इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। एक से दो मिनट हमें बेसन को भी भून लेना है। फिर इसमें हम उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे नमक के साथ। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है और आटा भी सेट हो चुका है। अब इसके मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे। पेड़ों के किनारों को हमें उंगली से पतला करना है और बीच में स्टफिंग को फिल करके किनारों को एक पास ला के उसके मुंह को बंद कर देना और एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हटा देना है। और फिर इसे हथेली की हेल्प से स्प्रेड करते हुए चपटा कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हमें सारी स्टफिंग को फिल कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। ऐसे ही मैंने अपने सारे कचौड़े को फिल कर लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ मैंने तेल पहले से ही गर्म कर रखा है। जब आप फ्राई करें कचौड़ी को तो फ्लेम को लो रखें, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। देखिए कचौड़ी काफ़ी अच्छे से फूल रही है। जब इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए तो इसके मसालों को अच्छे से पकने देंगे हम थोड़ी देर तक। ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे पका लेना है अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।